क्या हुआ जब अपने ही देवर लक्ष्मण को निकल गई माता सीता। रामायण की गाथा के अनुसार भगवान राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास में उनके साथी बने। माता सीता वैसे तो लक्ष्मण की भाभी थी, लेकिन दोनों के बीच देवर भाभी का नहीं बल्कि एक पुत्र और माता का रिश्ता था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कदम कदम पर अपनी प्रिय भाभी सीता की रक्षा की, इसलिए माता सीता के लिए लक्ष्मण एक पुत्र की तरह प्रिय थे। बावजूद इसके एक बार माता सीता ने लक्ष्मण को ही निगल लिया और उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते देवर लक्ष्मण को ही निकल गई माता सीता। माता सीता अपने ही देवर लक्ष्मण को निकलने पर हुई विवश। दरअसल दोस्तों, एक पौराणिक कथा के मुताबिक सीता माता ने सरयू नदी को एक वचन दिया था, जिसके अनुसार अगर वो अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 सालों का वनवास पूरा करके सकुशल लौट आती है तो वो सरयू नदी में पूजा अर्चना करेंगी। अपने वचन के अनुसार वनवास से लौटने के बाद माता सीता अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के पास चल पड़ी। जब राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते देखा तो वे भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जब सरयू नदी के किनारे पहुंची तो हनुमान पास के पेड़ के पीछे छुप गए और वहीं से दोनों पर अपनी नज़र रखने लगे। उधर पूजा आरंभ करने से पहले माता सीता ने लक्ष्मण को सरयू नदी से जल लाने के लिए कहा। इसके बाद लक्ष्मण जल लाने के लिए नदी में उतर गए। नदी में उतरने के बाद जैसे ही लक्ष्मण जल भरने लगे, वैसे ही अघासुर नाम का एक राक्षस वहां से बाहर निकला। इससे पहले कि वो राक्षस लक्ष्मण को निगलता, माता सीता उसकी सुमनसा को भाप गई और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उस राक्षस के निगलने से पहले खुद ही लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। इस नज़ारे को देखते ही पेड़ के पीछे हनुमान ने सीता और लक्ष्मण के जल रूपी स्वमिक्षण शरीर को एक घड़े में भर लिया और उसे लेकर भगवान राम के पास पहुँचे। फिर उस घड़े को दिखाते हुए हनुमान ने श्री राम से सारी घटना को विस्तार पूर्वक बताया और उसका हल पूछा। अपने प्रिय भक्त हनुमान की सारे बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही श्री राम ने हनुमान को बताया कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। जिसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अघासुर राक्षस भस्म हो गया। गौरतलब है कि अघासुर का संहार करने और अपने प्रिय देवर के प्राण बचाने के लिए ही माता सीता ने उन्हें निकला था। दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।